केस पे है, आदमी की परमिशन लेनी पड़ती है। हमारे चौपर को तो अनुमति मिल जाती है लेकिन प्राइवेट चौपर को अनुमति नहीं मिलती है। दूर जा कर के जो हमारा जुबरहट्टी एयरपोर्ट है वहाँ लैंडिंग होती है और उसके पश्चात दूसरा हेलीपैड जहाँ से जो जहाँ राष्ट्रपति महोदय जी उतरते हैं कल्याणी हेलीपैड है, वहाँ पर भी अनुमति राष्ट्रपति भवन से लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वहाँ पर लैंडिंग हो सकती है, उसका इस्तेमाल हो सकता है। पर्यटन की दृष्टि से हमने एक जो नई योजना पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की और उसमें हिमाचल प्रदेश में भी उसमें शामिल हुआ, उड़ान टू, उसके अंतर्गत हमारे पास अपना हेलीपोर्ट होना चाहिए। जगह तलाश करते करते सारी जगह आखिरकार फिर हमने इस जगह के लिए निर्णय किया। हालांकि इसकी औपचारिकता जाते जाते कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने जाते जाते फाउंडेशन स्टोन की थी, लेकिन ये बात सच है कि ना इसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस थी ना ही और औपचारिकता इस पर थी। यहाँ पर एक IPH का एक टैंक हुआ करता था, तो जब हमको ये जगह मिली तो उसके बाद फिर हमने तय किया कि यहीं पर हम बनाएंगे, तो ये हेलीपोर्ट का काम हमने शुरू किया। वक्त लग गया इसमें और ये लगभग 18 करोड़ की लागत से ये बन करके ये तैयार हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में शिमला की राजधानी में अपना जो हेलीपोर्ट की एक जो ज़रूरत थी वो उसको पूरा किया इसने, और उसके साथ साथ में जितने भी हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं, ख़ासतौर से जो हमारे उड़ान टू के अंतर्गत आ रहे हैं, तो जुबरहट्टी यहाँ से लगभग 1 घंटे का सफ़र लगता है हेली टैक्सी के लिए, तो इसको अब आने वाले समय में हेली टैक्सी यहीं पर ही उतरेगी और यहीं से ही टूरिस्ट आकर के शहर के बीच में आकर के जो है इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ उसके बाद यहाँ से चंडीगढ़ यहाँ से शिमला, यहाँ से धर्मशाला, यहाँ से मंडी और कुल्लू, तो मेडिकल इमरजेंसीज में भी हम माने कि इसका मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका उपयोग होगा। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर जॉय राइड के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अगर प्राइवेट कोई हेलीकॉप्टर इस बात के लिए सहमत होता है तो हम उनको भी अनुमति देंगे, उनसे जो वाजिब किराया बनता है, जेन्युइन बनता है, तो वो किराया लेंगे यहाँ पर सारी चीज़ के लिए। आज कुछ किराए के ऊपर नेगोशिएशन पे भी कुछ बात हुई है? हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमारे हमने जाकर के अभी केंद्र में बातचीत की थी कि जो किराए जो हमारे हेली टैक्सी के लिए ख़ासतौर से जो उड़ान टू की है उसमें और कमी की जाए, और उसमें कमी की है और उसके कारण जो है बहुत सारे टूरिस्ट को अब आने जाने की सुविधा होगी। और उसी के अंतर्गत यहाँ पर आने वाले समय में अगर हेली एम्बुलेंस वगैरह की जो हमारी ये सुविधा होगी, एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी जब होगी वो, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि IGMC मेडिकल कॉलेज के एकदम साथ लगा हुआ ही है, तो पर्यटन की दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आज इस के उद्घाटन के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। और शिमला में दुनिया भर का टूरिस्ट आता है, अब आज के बाद जो है वो उड़ान टू का भी लाभ ले सकता है, और आने वाले समय में जब जॉय राइड का हमारा यहाँ पर काम शुरू होगा तो उसमें टूरिस्ट उसका भी आनंद ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत चीन के साथ जो तनातनी चली है, ऐसे में सामरिक दृष्टि से हम किस तरह से देखें, क्या उस तरह से भी इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है? देखिए, इसका उपयोग हर दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि जो अन्नाडेल का एयरपोर्ट वो डेडिकेटेड है, आर्मी के पास हमने दिया हुआ है और पूरा उपयोग जो आर्मी उसमें करती है, और उसमें बड़े चीनुक जो बड़ा हेलीकॉप्टर है जो बहुत भारी भरकम चीज़ों को भी उठा करके ले जाता है, उसका भी उतरना हो गया है, लेकिन यहाँ पर भी इसको भी उपयोग हो सकता है। ये बहुत बड़ी एक मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन हो गई स्टेट के, यहाँ से हर तरह की सुविधा जो है उस तरह से उपलब्ध हो पाएगी। चलिए, ऐसे बातचीत करने के लिए थैंक यू। तो ये बताया कि क्या